नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, यदि 2 की पावर n हो और रूट हो उसका बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस 64 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 64 की गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी कितने बन गए हैं, 6 बन गए हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है कि 1/2 की पावर बराबर 2 की पावर 6। अब जब आधार समान है तो घातों को भी हम बराबर कर देते हैं, यानी n गुणे 1/2 बराबर क्या आ गया, 6। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 2, वहां पहुंच जाएगा 2। यानी n की वैल्यू क्या निकल के आई, n की वैल्यू निकल के आ गई 12 है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था, हमने प्रश्न के गुणनखंड के लिए किए हैं, दोनों घातों को बराबर कर दिया है और हमारा आंसर मिल गया है n बराबर 12। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।